अम्बेडकर की जयंती पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बहुत बड़ा आयोजन किया है। सभी बहुजन समाज की संस्थाओं, एससी एसटी, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं, बैंकों और अन्य दलित चेतना के लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन के विषय में हर्षोल्लास से लोगों को जागरूक किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हर वर्ष लाखों लोग दिल्ली और आसपास के राज्य से बाबा साहब के पावन दर्शन, उनके विचारों को सुनने के लिए परिवार सहित पहुँचते हैं। दिल्ली प्रदेश धोबी इम्प्लाई महासंघ अनुसूचित जाति समाज ने भी अपना स्टॉल लगाया, जिसमें बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली से डेली न्यूज ऑनलाइन .in के लिए कुलवंत कौर के साथ बने सजान। आज बाबा साहब जयंती का 133वां वर्ष है और बहुत समय बदल गया है। बहुत समय जो बाबा साहब ने शिक्षा और रोजगार का जो संविधान दिया, आज वो अधिकारों का बहुत बुरा हनन हो रहा है। आज बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से की जा रही है, उस पर क्या कहना है आज बाबा साहब के जन्म? देखिए पत्रकार महोदय, बाबा साहब की 133वीं जयंती आज पूरा बुद्धिजीवी समाज मना रहा है। कोई भी सरकार कुछ भी बोले उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है वो ना ही कोई बदल सकता और ना ही कोई बदलेगा। और रही बात रोजगार की, तो अब ऐसा नहीं है, रोजगार भी मिल रहा है, खुलेगा सबको, जो पढ़ेगा वो रोजगार करेगा। बाबा साहब का एक ही कहना है, जो शिक्षा प्राप्त करेगा और वो आगे बढ़ेगा। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो वो धाड़ेगा। तो बाबा साहब ने ये शिक्षा का ज्ञान जो दिया है, जो इसको पढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई भी माई का लाल रोक सकता। बाबा साहब का यही कहना है कि शिक्षा की ओर कदम बढ़ाइए, ना कि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देकर शिक्षा की ओर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। ये बाबा साहब का एक सपना था और आज आप देख रहे हैं ये भव्य मेला जो लगा हुआ है, ये बाबा साहब की ही ज्योति का प्रकाश है जो चल रहा है। रवि जी बताएं, आज के मुबारक दिन पर क्या नया आपने प्रण लिया है और क्या आगे है? बाबा साहब की नीतियों का किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये कि जो बाबा साहब है वो हमारे संविधान के निर्माता है और जो आज हमारे जो समाज है एससी एसटी में जो है उनको अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार हमारे समाज के ऊपर और हमारी बिरादरी के ऊपर अत्याचार हो रही है, उनके लिए हमें संविधान के तहत अपने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कि कानून से बड़ा इस देश के अंदर कोई भी नहीं। जाति प्रथा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आज की डेट में। पार्टियाँ भी जाति प्रथा पर लोग इलेक्शन लड़ाए जाते हैं और जहाँ बाबा साहब ने सबको संविधान में सबको एक मूल रूप का अधिकार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अधिकारों का भी हनन हो रहा है। कानून बदलने की बात लगातार कही जाती है। अधिकार जो बदलने की बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी कमजोरी हमारी लोगों की है, जो हम अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमारे देश के सारे नागरिक अपने अधिकारों को समझ जाएंगे, बाबा साहब के कानून को समझ जाएंगे, संविधान को समझ जाएंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें गिरा सके। अपने नाम बताया और कहाँ से क्या है आपने? कि मैं एडवोकेट रवि कुमार हूँ, दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा का नेतृत्व का अध्यक्ष और सचिव। अब अपना नाम बताओ पूरा और कहाँ क्या है आप, समाज के लिए क्या है? मेरा नाम राजू दिवाकर है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत से। और हमारा कार्य जो है वो घर घर तक बच्चों को शिक्षित करना, कॉपी कलम देना, यही हमारा मार्गदर्शन है। और यही हमारी जो राष्ट्रीय रजक महासंघ भारत जो संस्था है उसका भी यही कहना है। और हमारे माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी दिनेश साहब जी, उनका भी यही कहना है कि शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना है, ना कि किसी और। अपना नाम बताएं। बाबूलाल कन्यावरा। कहाँ से आए आप? मोदी रोड।
आज बाबा साहब का 133वां जयंती दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और बाबा साहब ने जिन नीतियों का अनुसन संविधान में दिया था उसको लेके क्या कहना है आपका? और आज के आज के परिदृश्य में देखा जाए तो उस संविधानों का किस तरीके से पालन हो रहा है या नहीं? आज हमारा समाज, हमारे लोग बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों में और बच्चे हमारे बड़े शिक्षित और अच्छे अच्छी मुकाम पर पहुँच चुके हैं और आज तो बड़े ही उल्लास का दिन है कि भी बाबा का जन्मदिन है और हम लोग बड़े धूमधाम से इसकी जयंती मना रहे हैं। और जो उनकी नीतियाँ और जो उनके जो उन्होंने कहा था संघर्ष करो संगठित रहो उसी पर हम चल रहे हैं। और आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज युवा किस तरीके से भटक रहा है जो समाज का, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हम समाज को और अपने आने वाले जो जनरेशन है, जो चलती पीढ़ियाँ हैं, उनको यही बोलेंगे सबसे पहले अगर शेर बनना है तो शिक्षित होना जरूरी है। जिसने शिक्षा का दूध पिया वो शेर और जिसने नहीं वो फिर अनपढ़ गवारा है। तो मैं इसीलिए अपने समाज के युवा पीढ़ी से यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा पढ़ाई लिख कर आगे बढ़ो और देश की कमान अपने हाथ में संभालो और राजनीति में भी अपनी पूरी भागीदारी आजमाओ।